आपके पसंदीदा शो नागिन 6 शुरुआत से ही ऑडियंस को काफी ज्यादा एंटरटेन कर रहा है, लेकिन इस बार की जो बार्क की टीआरपी था उसमें नागिन 6 टॉप 10 से बाहर है। गाइस, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तेजस्वी प्रकाश मैक्स एल सिंगल एक्टर स्टार शो ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। इस शो में बहुत जल्दी आने वाला है लीक के बाद इस शो की कहानी पूरी तरह से बदलने वाली है। इस शो में नई स्टार्स की एंट्री होने वाली है और पुराने बहुत सारे स्टार्स शो से क्विट करने वाले हैं। लेकिन इस शो का जो बार्क की टीआरपी आया है वो है सिर्फ 1.7 और इस हफ्ते नागिन 6 बीआरसी में टॉप 10 में भी नहीं है। इस शो इस बार की जो पोजीशन वो है 13 पोजीशन और इस शो का जो टीआरपी है वो है 1.7 और इस शो का रेस्टिवी के नंबर 2 के पोजीशन पर है। नंबर 1 के पोजीशन पर है खतरों के खिलाड़ी और नंबर 2 के पोजीशन पर है नागिन सीजन 6 जिसको टीआरपी मिला है 1.7। इस बार नागिन सीजन 6 और मेक्स इंडिया की जो मोस्ट लाइक टीवी शोज ऑफ दिस वीक की टॉप 10 लिस्ट से भी बाहर हो गए हैं। लास्ट वीक टॉप 10 के पोजीशन पर था लेकिन इस बार टॉप 10 से भी बाहर हो चुका है। नागिन सीजन 6 और मेक्स पावर रेटिंग और बीआरसी की दोनों में से ही बाहर हो गई है। ऑनलाइन टीआरपी की हम बात करें, इस हफ्ते ऑनलाइन टीआरपी में नागिन 6 नंबर 2 के पोजीशन पर था विद 43 रेटिंग पॉइंट्स और नंबर 1 के पोजीशन पर था इंग्लिश। तो नागिन 6 तो काफी ज्यादा धमाल मचा है लेकिन शो का टीआरपी कम होता जा रहा है क्योंकि लास्ट वीक 1.9 था बीआरसी के टीआरपी, इस हफ्ते 1.7 है। इस शो की टाइम स्लॉट भी बदलने वाली है। ये शो हमें 7 बजे के टाइम स्लॉट पर देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीक और दिस वीक ये शो हमको 7 बजे से 9 बजे तक एक महाएपिसोड देखने को मिलेगा। ये शो हमें संडे को देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि गणेश महोत्सव का एपिसोड आने वाला है, तो ये शो हमको संडे को देखने को नहीं मिलेगा और नेक्स्ट वीक ये शो हमें 7 बजे के टाइम स्लॉट पर देखने को मिलेगा। तो इस शो में काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाला है क्योंकि 20 साल का लीफ होने वाला है। तो आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है देखने के लिए तेजस्वी प्रकाश का डबल रोल अमनदीप सिंधु इस किरदार में हमको देखने को मिलेगा। दूसरी बेटी का रोल तेजस्वी प्रकाश निभाएंगे जिस किरदार का नाम होगा प्रार्थना। तो नई लीड की भी एंट्री होगी, नई लीड हीरो की भी एंट्री होगी शो में बहुत जल्द। तो कितना ज्यादा एक्साइटेड है देखने के लिए कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है नागिन सीजन 6 का इस बार का ऑनलाइन टीआरपी और बार्क की टीआरपी क्या होगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात।